तो गाइस अभी हमारे डैम ने जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। लेक बनाया था काफ़ी बड़ा, यहाँ पे पानी भी काफ़ी स्टोर हो चुका है और अब ये ऑपरेट करना भी शुरू कर देगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी भाई पूरी भर कर देने वाला है। बस सब गाइस जोर कैसे हो आप, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आज हम फिर से खेलने वाले हैं सिटी स्काईलाइंस, और आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम हमारी सिटी के लिए बनाने वाले हैं एक डैम, ताकि उनकी इन फ्यूचर जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जितनी भी नीड्स हैं वो पूरी हो सके। तो जैसे कि गाइस पिछली वीडियो के अंदर हमने तो मतलब पूरा कहर उठा रखा था सुनामी वाला, लेकिन उससे पहले जो हमारी वीडियोज़ आई हैं उनके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। तो जरा चेक करो भाई, जो लोग नए हैं भाई वो उनको तो मतलब मस्ट है भाई, चेक करो जाके वो वीडियोज़, और जो बिल्कुल नए हैं उन वो तो मतलब स्टार्टिंग से जाके देखो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई, तभी इंटरेस्ट बैठता भाई गेम में अंदर तगड़ा सा, क्योंकि हमने भाई बिल्कुल स्टार्टिंग करी थी हमारी गेम की कुछ इतने से एरिए से, और अब देखो हमारी सिटी कहाँ कहाँ तक फैल चुकी है। इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना रखी है हमने, MCG स्टेडियम बना रखा है और हमारा ताजमहल बन रखा है यहाँ पे। और आज की इस बार वीडियो के अंदर हम एक डैम और बना देंगे सिटी के लिए, और वो जो डैम हम बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे कुछ इस वाले एरिया के अंदर। वैसे लग गया पे छोटा रहे, लेकिन हम इसको एक्सपेंड करेंगे, मतलब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा एरिया या इतना बड़ा मतलब लेक बना देंगे ऐसा कह सकते हो, ताकि पानी स्टोर हो सके। और जो डैम हमारा बनेगा वो कुछ उसकी ओपनिंग यहाँ पे होगी, जो पानी है वो इसी रास्ते से जाएगा आगे, लेकिन वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसी वजह से हम इधर जो है एक लेक बना देंगे, मतलब जगह थोड़ी एक्सपेंड कर देंगे ताकि पानी स्टोर हो सके। तो अभी हम शुरू कर ही रहे हैं, तो उसके लिए हमें वैसे ये रेलवे ट्रैक भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे पूरा का पूरा। तो मैं फटाफट से जो है रेलवे ट्रैक को हटा ही देता हूँ। रेलवे ट्रैक तो मैंने हटा दिया, अब रेलवे को ज्वाइन भी कर देते हैं, ट्रैक को हमें दोबारा से ज्वाइन भी करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा इसे घुमा देते हैं कुछ ऐसे, और अब इसे ले चलते हैं सीधा इधर तक ले चलता हूँ मैं। अरे ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन जुड़ जाएगा अभी, सही है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ज़्यादा, ये इधर से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तभी हमारे पास इतनी सारी जगह पड़ी है जो वेली है, और इस साइड मेरा ताजमहल थोड़ा सा बीच में आ सकता है, पर हम इस वाली साइड में एक्सपेंड कर देंगे, तो वो भी कर ही देते हैं। लेक बनाते हैं सबसे पहले, ताकि पानी शोर हो सके। वो कुछ हम बनाते हैं, हम जो है लेवल इसका उठा लेते हैं, इसको फुल कर देते हैं, ठीक है भाई, अभी फटाफट से बन जाएगा। लेकिन हमारा पैसा जोड़ने वाला भाई वो भी नेक्स्ट ही लेवल होएगा। इस साइड से मैंने इतना सा एरिया खोला है, वैसे हमने डैम बनाना चाहिए था पहले, क्योंकि उसी के हिसाब से ही हम फिर लेक को बिल्ड करेंगे। डैम हमारा ये रहा, हाइड्रो पावर प्लांट है ये, ठीक है भाई। अभी ये बनाएंगे हम कुछ ही यहाँ पे। वैसे सिटी को भी ख़तरा तो ज़रूर है इससे, क्योंकि सिटी के अंदर पानी जाने का डर रहेगा, लेकिन हम इस साइड थोड़ी मतलब ऊँचा कर देंगे, मतलब मिट्टी विट्टी लगा के, ताकि पानी ना आ जाए सिटी के अंदर। तो यहाँ पर बनाऊँ या थोड़ा सा आगे बनाऊँ, ठीक है, यहाँ पर बन रहा है, नहीं यहाँ पे तो नहीं बन रहा, इधर बन रहा था ये रहा, लेकिन ये थोड़ा सा नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पे स्लोप की दिक्कत आ रही है, वो हमें सेट करना पड़ेगा। अब नहीं आनी चाहिए दिक्कत, वो देखता हूँ मैं बना के दोबारा से, ठीक है गाइस, अभी दिक्कत नहीं आ रही वो। अभी हम अपने हिसाब से जहाँ मर्जी बना सकते हैं, यही सेट रहेगा, थोड़ा सा आगे भी है, यहाँ पर बिल्कुल आउटपुट नहीं दिखा रहा, लेकिन वो हम बाद में सेट करेंगे मेन तो। ओके, फिर कर दे फाइनल यहाँ पे, ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने बना दिया डैम हमारा बना है कुछ इस जगह पर। ओके डैम बना यहाँ पे, अब लेक को एक्सपेंड करते हैं हम, ताकि पानी काफ़ी सारा स्टोर हो सके। गाइस ये पैसा देखो मतलब कैसे उड़ रहा है, सीधा ही मतलब दो दो तीन तीन लाख रुपए हमारे उड़ गए। और शिट शिट शिट, रेलवे ट्रैक भी आ गया हमारा, दिक्कत होगी ये, रेलवे ट्रैक बीच में नहीं आना चाहिए था, इधर से इतना एरिया हो चुका है। अरे क्या हो रहा है, इस साइड से हमने इतना सारा लेक बना दिया, काफ़ी रहेगा इतना पानी को स्टोर करने के लिए, ये तो मेन। और इस साइड से हमारा ताज में, अरे ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे वो था अंडरग्राउंड थी रोड, ठीक है, इधर से भी मैं कर देता हूँ, दोबारा से बना देता हूँ, अभी ठीक है काफ़ी हद तक। एक बार के लिए तुमने इतना लेक बनाया, अगर ज़रूरत पड़ी हमें दोबारा बनाने की तो हम बना देंगे। अभी जो हमारा डैम है वो ऑपरेटिंग में नहीं आया, क्योंकि भाई पानी इसके ऊपर से हो रखा है, तो हमें थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं। और हमारी सिटी में भी पानी चला गया, शिट, ये भी दिक्कत होगी। यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको ऊंचा करना पड़ेगा, इसको छोटा करता हूँ मैं, यहाँ पे मिट्टी विट्टी मैंने लगा दी ताकि सिटी के अंदर पानी ना आ जाए, और इस साइड भी मैं लगानी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे भी मैंने मिट्टी की एक दीवार सी तो बना दी है, यहाँ पे थोड़ी कम रहेगी, मैं बना रहता हूँ ताकि पानी जो बाहर ना जाए,
क्योंकि अगर पानी बाहर जाता है भाई दिक्कत होएगी। वैसे ये डैम को चलने में आई थिंक थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, अभी तक ये आउटपुट में नहीं आया है। अभी मैं टाइम को शॉर्ट कर देता हूँ और इस साइड भी मैं थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। चेंजेस क्या है, मैंने जो सोच रखा है, मैंने यहाँ पे टनल बनाने का सोच रखा है। मैं टाइम को पॉज करके बनाता हूँ, वो भी टनल हमारी चलेगी यहाँ से सीधा चलेगी, यहाँ से मैं थोड़ी सी घुमाऊँगा और यहाँ तक चलेगी। यहाँ पे स्लोप की दिक्कत आ रही है जो कि आनी नहीं चाहिए, यहाँ पे बन रहा है और इधर से इधर तक घुमा देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमारी जो रिवर है ना वो थोड़ी सी ऊँची थी, यहाँ पर आके फिर से वो नीचे को हो जाती है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे टनल बना दिया। टनल कह रहा हूँ ये, अरे मैं इसको टनल कह रहा हूँ, ये तो भाई कनाल है, टनल थोड़ी ना, वाइड कनाल है, सबसे मतलब बड़े वाली कनाल है जो हमारे पास, वही है। ये भी बन चुकी है और सिटी के अंदर काफ़ी सारा पानी भी जा चुका है, तो मतलब दिक्कतें हैं लेकिन ये हो जाएंगे सोल्व। इन वाले घरों को दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, वैसे टूट ना जाए सुनामी की तरह, लेकिन इतना पानी है नहीं। और इस साइड देखो, मतलब ये देखो, अरे बाहर कैसे चला गया पानी। वैसे सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखो लेक तो हमने बना दिया है, काफ़ी बड़ा लेक है, पानी भी यहाँ पे काफ़ी शोर हो जाएगा, क्योंकि दो दो रिवर हैं, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है। और जैसे ही ये पानी मतलब थोड़ा सा ओवरफ्लो होएगा, तभी हमारा ये जो डैम है वो ऑपरेटिंग के अंदर आ जाएगा। तभी हमें वेट करना पड़ेगा, जब जब इसके अंदर पानी मतलब स्टोर होता जाएगा जैसे जैसे, वैसे वैसे ये ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो मेन हमें पानी चाहिए, जो सबसे मेन चीज़ है, पानी की ही वजह से ये चलेगा, और पानी की वजह से ही और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। मतलब जितना ज़्यादा पानी इससे पास होएगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ऐसा सिस्टम होता है इसका। तो अभी तक ये चला नहीं है, वेट करते हैं इसके चलने का। अभी तो ये ओवरफ्लो हो रहा है बार बार, तो इसको मेरे को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। आई थिंक हमने थोड़ा सा ऊंचा कर दिया था, जहाँ पर ये जाके ऑपरेट करना शुरू करेगा हमें वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा इसे, या फिर थोड़ा सा ऊंचा, देखते हैं चलो कहाँ पे ये सेट बैठेगा। फाइनली गाइज हमारा डैम जो है वर्किंग के अंदर आ गया। तो गाइज अभी देखो, तो गाइज अभी हमारे डैम ने जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। हमने लेक बनाया था काफ़ी बड़ा, यहाँ पे पानी भी काफ़ी स्टोर हो चुका है, और अब ये ऑपरेट करना भी शुरू कर देगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी भाई पूरी भर कर देने वाला है। बंद होके चल रहा है बार बार, क्योंकि पानी की जो है लहरें आ रही हैं। जब ये स्टेबल हो जाएगा पानी भाई, तब ये कंटिन्यूसली वर्क करेगा। ठीक है गाइस, अभी हमारे जो डैम ने है वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया। पानी भी ये काफ़ी ज़्यादा छोड़ रहा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है देखो, 224 वोट की इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस कर रहा है। ये वैसे अनस्टेबल रहती है इसकी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है वो भी मतलब कम ज़्यादा होती रहती है। तो हमें मेन ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए। जैसे जैसे इसके अंदर पानी स्टोर होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे डैम की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी। अभी 224 वोट चल रही है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद कम भी हो जाएगा, 240 होगी। जैसे जैसे ये पानी जितना ज़्यादा पानी छोड़ेगा मतलब उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर पाएगा। और ये पानी हमारे सिटी के अंदर ना आ जाए उसके लिए भी हमें कुछ देखना पड़ेगा। वैसे मैं देखता हूँ पहले पानी ज़्यादा आता भी है, पैसे को लग रहा है कि काफ़ी सारा पानी आ रहा है। हमारे ताजमहल को भी इसमें थोड़ा सा डैमेज करा है पानी ने, यहाँ तक पानी पहुँच गया था लेकिन अब नहीं है। और वहीं पे जो मैंने पाथ बनाया था उससे भी अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे है पानी। आई थिंक पहले ही इसके बिल्कुल आसपास चल रहा था पानी जब ओवरफ्लो हो रखा था, तो अभी पानी देखो बिल्कुल कह सकते हो कि खतरे के निशान से ऊपर है। मतलब इसका भी ये सिस्टम है कि जैसे पानी मतलब खतरे के निशान से, जो कहते हैं डैम का पानी खतरे से निशान के ऊपर चला गया तो भाई तभी पानी छोड़ते हैं, वैसा इसका ही हिसाब है। जैसे ही पानी ओवरफ्लो होने वाला होता है तो मतलब तभी पानी छोड़ते हैं, जैसे अब छोड़ रखा है। देखो ऑलमोस्ट 300 मेगावाट प्रोडक्शन थी, अभी कम हो गई है, फिर से बढ़ गई है। और इस साइड पानी बाहर आ रखा है, नहीं पानी बाहर नहीं आया, वैसे मेरे को लग रहा था क्योंकि हमें पेड़ लगे हुए हैं। तो गई जो डैम से पानी को छोड़ा गया था वो यहाँ तक पहुँच चुका है, और यहाँ पर आते मतलब इतना ज़्यादा पानी लग रहा नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये ओवरफ्लो कर जाएगा, कर भी गया। देखो इस एरिया से ओवरफ्लो कर भी गया, तो इसे सोल्व करने के लिए हमें जो है थोड़ा सा यहाँ मिट्टी विट्टी लगानी पड़ेगी। और चलो देखते हैं, वैसे पानी एक बार के लिए आई थिंक ज़्यादा आएगा, अगर ये बार बार होती रही तो चीज़ भाई करनी पड़ेगी सॉर्ट आउट। वैसे आई थिंक ये खुद ही टूट जाएंगे अगर पानी ज़्यादा हुआ तो। इस वाले एरिया को मेरे को लग भी रहा था ये इफेक्ट कर सकता है। और इस साइड भी इसके ब्रिज के ऊपर से हो गया पानी, इस वाले ब्रिज के भी ऊपर से हो गया पानी, वाह। इधर से क्योंकि डीप है भाई काफ़ी सारी रिवर, तो इस वजह से पानी लगता नहीं, और जैसे जैसे आगे आती है मतलब रिवर चौड़ी ज़रूर हो जाती है लेकिन वो डीप नहीं इतनी रह पाती। तभी इस वाले एरिया के अंदर तो मतलब ख़तरनाक वाला फ्लड ही आ गया,
ओके, यहाँ पर भी पानी बाहर आ रुका है। अरे अरे अरे, यहाँ पे तो सेट करना पड़ेगा, यहाँ पर तो करना पड़ेगा सेट में। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारी मिट्टी लगा दी है साइड में। दिक्कत आएगी तो यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पर लेकिन अभी पानी का जो लेवल है वो कम हो गया। ठीक है ठीक है, अभी सोड आउट हो गया सारा। तो मतलब जैसे जैसे पानी वहाँ से मतलब जितना ज़्यादा छोड़ा जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे आगे मतलब फ्लड आएंगे, तो ये सिस्टम रहेगा। तो अभी तक तो कंटिन्यूसली मतलब कंसिस्टेंटली चल रहा है हमारा जो पानी का लेवल है, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन देखो 1200 के आसपास चली हुई है, बहुत बढ़िया है। डैम हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा है, और हम इसे अभी नाम भी देने वाले हैं। इसको हम करते हैं कलर, करते हैं हमारे सारे को। ये वाला एरिया हो गया हमारा डैम का। तो गाइस ये होने वाला है हमारा डैम, इसको कनेक्ट कर दिया जाए। वैसे इस साइड भी आने तो वाला नहीं है, इन फ्यूचर कर देंगे हम। जब इस साइड में अगर सिटी एक्सपेंड करने की इच्छा हुई तो हम इस वाले डैम के जो ऊपर रोड बना हुआ है वो भी हम यूज़ कर लेंगे। वैसे ये जो पानी इधर से ओवरफ्लो के इधर साइड आया, वो जहाँ पे खड़ा हो गया आके, ये भी टाइम के साथ साथ निकल जाएगा। और वही हमारा हार्बर भी डूब चुका है यहाँ पे। कोई बिल्डिंग टूटी तो नहीं? टूट गया, इस बिल्डिंग ये वाली टूट चुकी है। हम वैसे इसको रैंडमली इसको मूव इट का यूज़ करके भी तो उठा ही सकते हैं, ये मेरे दिमाग में नहीं आया। ये भी तो चीज़ पॉसिबल थी। ठीक है, अभी मेन हाईवे वाले ब्रिज को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा नीचा है थोड़ा सा। तो ठीक है, अभी इसको भी मैंने थोड़ा सेट कर दिया। ये वाला हाईवे, ये वाला रोड भी मैंने सेट कर दिया। तो अभी पानी की दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी हमने काफ़ी सारा ऊँचा कर दिया है। सारा ये एरिया जो है हमने मिट्टी मिट्टी लगा के साइड से मतलब सेट कर दिया सारा। तो अभी पानी की दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इन वाले घरों के अंदर जो पानी चला गया है वो टाइम के साथ साथ ही सूखेगा, लेकिन अभी नहीं सूख पाए। ओवरऑल हमारी सिटी कैसी चल रही है? हमने आज बिल्कुल भी नज़र नहीं मारी है। सिटी हमारी ठीक चल रही है, डिमांड काफ़ी बढ़ रखी है, तो डिमांड को भी हम पूरा करेंगे। मे बी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा करें। अब जो हमारी सिटी एक्सपेंड हो सकती है वो कहाँ पर हो सकती है? वैसे ये वही एरिया बचा है, ये वाला एरिया हमने वैसे ये वाला एरिया परचेज भी कर लिया। तो सिटी को एक्सपेंड करने वाला है, तो सिटी को जब हम एक्सपेंड करेंगे वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही देखते हैं। वैसे अगर मैं चाहूँ एक्सपेंड करनी तो इस वाले एरिया के अंदर कर सकता हूँ, पर मैं ये इंडस्ट्रियल एरिया के लिए रख लूँ अगर इन फ्यूचर मेरे को एक्सपेंड करनी हुई तो। या फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है, इस साइड भी हम कर सकते हैं इस वाले एरिया के अंदर, पर अभी मेरा कोई प्लान नहीं। तो गाइस ये थी हमारी आज की ये वीडियो। डैम हमने बना दिया, काफ़ी अच्छे से ऑपरेट भी हो रहा है। तो गाइस फिर करते हैं हमारी आज की इस वाली वीडियो एंड। अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, प्यारा सा कर दो कमेंट, और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो के अंदर मेरा जो भी प्लान चल रहा है बनाने का, वो है लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मैं लिबर्टी सिटी में बोलने वाला था भाई, GTA वाली। तो हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर, तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आ जाएगी वो भी कुछ दो से तीन दिन के गैप के अंदर आ जाएगी वो वाली वीडियो भी। तो गाइस फिर उसी वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए गाइस फिर टाटा बाय बाय।